ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका यूज़ अभी बरसात में कर लेते हैं ना, तो आपका जो प्लांट है ना, इतना अच्छा ग्रोथ करेगा, फूल और कलियाँ निकालेगा, और आपके प्लांट पर कीड़े मकोड़े फंगस बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं ना, हमारे प्लांट्स के लिए इतना फायदेमंद है ना फ्रेंड्स, और इसे आप आसानी से बनाकर अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। और फ्री की चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट पर फूल और कलियाँ पा सकते हैं। और मैं हमेशा इसी तरह के ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं ना, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये खाद जो है ना, किस तरह से बनाए हैं, ये चीज़ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसे अगर आप बनाकर अपने प्लांट पर डाल लेते हैं ना, तो आपका जो प्लांट है ना, इतना अधिक ग्रोथ करेगा, फूल और कलियाँ निकालेगा, और आपके प्लांट्स की रुकी सिरुकी ग्रोथ को शुरू कर देगा। तो हमारे प्लांट्स में फूल और कलियों के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है ना, अच्छे से ग्रोथ करता है, फूल और कलियां निकालता है। और पोटेशियम एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स, जिसके अगर आपके प्लांट्स में पोटेशियम की कमी हो गई होगी ना, तो आपका प्लांट जो है ना, बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, फूल और कलियां बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस लिक्विड का यूज़ अगर अभी बरसात में कर लेते हैं ना, तो आपका जो प्लांट है ना, भर भर कर फ्लावरिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये तीन तरह का खाद है और पूरी तरह से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर है फ्रेंड्स। अभी इसका यूज़ कर लेते हैं ना, तो पूरी बारिश आपका जो प्लांट है ना, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं, फ्री की चीज़ें हैं, जिसे आप आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये पहला जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये केले का छिलका है, और जो केले का छिलका होता है ना फ्रेंड्स, इसमें इतनी अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो हमारे फूल वाले प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई ना, तो आपका जो प्लांट है ना, बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावर नहीं करेगा। तो इसका यूज़ अगर आप इसे बाहर न फेंक के अगर आप अपने प्लांट्स की मिट्टी पर कर लेते हैं ना, तो ये आपके प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगा और आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ है नीम। जो नीम होता है ना फ्रेंड्स, इतना फ़ायदेमंद होता है ना हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, फंगीसाइड होता है, कीड़े मकोड़े और फंगस को दूर करने में बहुत अधिक सहायता करता है। तो इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो नीम में होता है ना, नीम की खली का भी यूज़ आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। और बारिश में ना, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा जो नीम की खली है ना, उसका यूज़ करना चाहिए। और मैं तो जो है ना फ्रेंड्स, फंगीसाइड जो केमिकल दवाइयाँ होती है ना, उसका यूज़ बहुत ही कम करती हूँ अपने प्लांट पर। और इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो हमें घर पर आसानी से मिल जाए, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने नीम जो है ना, नीम के पत्तियों को सुखाकर भी स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जो नीम की सूखी पत्तियाँ होती है ना, उसका भी यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स की मिट्टी पर कर लेंगे ना, तो आपके प्लांट्स पर कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह बिल्कुल नहीं चलेंगे, चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके प्लांट्स पर फंगस वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो जो नीम होता है, इतना फ़ायदेमंद होता है ना, आप इस तरह के जो ताज़े पत्ते होते हैं, उसका यूज़ भी आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना, ताज़े पत्ते लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने नीम का जो है ना, छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो नीम होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे प्लांट्स के लिए। ये जो है ना फ्रेंड्स, जो हवा होता है ना, उसको भी शुद्ध करता है। इनकी जो पत्तियाँ होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे प्लांट्स के लिए, कीड़े मकोड़े और फंगस को दूर करने के लिए। तो आप नीम की पत्तियों का यूज़ आप ज़रूर करें। मैंने छोटे से गमले पर लगाया हुआ है, और जब भी मेरे को यूज़ करना होता है ना, तो एक मुट्ठी के बराबर मैं अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको एक मुट्ठी नीम की पत्ती ले लेना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा तीसरा चीज़ है चाय की पत्ती। और जो चाय की पत्ती होती है ना, इसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है, और जो नाइट्रोजन होता है ना, हमारी प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत अधिक सहायता करता है, जड़ों को स्ट्रांग बनाने में सहायता करता है, पत्तियों को हरा भरा बनाने में बहुत अधिक सहायता करता है, फूल और कलियाँ निकालने में सहायता करता है। तो चाय की पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और जो यूज़ किया हुआ चाय की पत्ती होती है ना फ्रेंड्स, जिसे हम फेंक देते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसे धोकर सुखा लेना है अच्छे से, उसके बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो मैंने इसे एक चम्मच के बराबर लिया हुआ है। और ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, इसका यूज़ ना आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम चाय की पत्ती को क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो उसका यूज़ ना आप अगर आप अपने प्लांट्स पर कर लेंगे ना, तो ये आपके प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो चाय की पत्ती जो होता है ना फ्रेंड्स, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होने के कारण हमारा जो प्लांट है ना, बहुत अच्छे से फूल और कलियाँ निकालता है। अगर आपके प्लांट्स में ना साइट्रिक एसिड जो है ना, एसिड आपकी मिट्टी जो है ना एसिडिक नहीं है, तो आपका जो प्लांट है ना, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करेगा। और हमारे मोगरा, गुड़हल, गुलाब की हो तो जो है ना एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको ना चाय की पत्ती का यूज़ ना महीने में दो बार अपने प्लांट पर ज़रूर करना चाहिए। तो मैं हमेशा जो है ना चाय की पत्ती का यूज़ अपने प्लांट्स पर करते रहती हूँ। तो क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से उबाल लेना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे उबाल कर रखा हुआ है। इसको आपको ना अच्छे से उबाल लेना है, और ठंडा होने के बाद ही इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर करना है। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश में अगर इस लिक्विड का यूज़ अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फ्रेंड।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे इस तरह की लिक्विड जो है ना बनाकर रखा हुआ है और अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ करने वाली हूँ। आप ताजे केले का भी यूज़ कर सकते हैं और जो सूखा हुआ केला होता है ना उसका भी यूज़ इस लिक्विड को बनाने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केले के छिलके को ना आपको फेंकना नहीं, उसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें छान लेना है। तो इस तरह से हम इसे छान लेंगे और इसमें हमें नॉर्मल पानी इस तरह से मिला लेना है और इसका यूज़ ना अपने प्लांट्स पर करना है। ये बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, पूरा एनपीके का स्रोत है। आप इस तरह की जो एनपीके मार्केट में मिलता है ना उसका यूज़ ना करके इस तरह से लिक्विड बनाकर अपने प्लांट्स पर यूज़ करेंगे ना तो आपका प्लांट जो है ना फूल और कलियों से भर जाएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।